अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करने वाले हैं 660 सीसी तीन चार गाड़ियों पे। और जी हाँ, ताऊ में आज चेक करेंगे कि क्या कॉस्टिंग आ सकती है, कितने तक गाड़ी जा सकती है। तो इंशाल्लाह आज इस पर तफसीली बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों ने कहा कि भाई ये ताऊ पे आप कुछ वीडियो बनाएं, तो एक तो यहाँ पे हमारे मैंने कहा टाइम ज़ाया के बगैर डायरेक्टली मैं आ जाता हूँ गाड़ियों पर। तो तीन चार गाड़ी मैंने खोली हुई हैं। यहाँ पर एक सुजुकी वेगन आर है FZ, इसके अलावा होंडा एन वेगन कस्टम है। इसमें अभी एक नई शेप भी आई है 2024। एक भाई ने पता किया कि भाई ये कितने तक कॉस्ट करेगी। मैं तो उनको ये मशवरा दे रहा हूँ कि भाई काफ़ी महंगी पड़ेगी, इस कीमत में आपको एक बड़ी गाड़ी मिल सकती है। अच्छा जी, ये दहासू ताफ्ट मैंने खोली हुई है, टोयोटा पिक्सेस मैंने खोली हुई है। तो टोयोटा पिक्सेस फर्स्ट नंबर पर, तो चलो इससे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। पिक्सेस जो है दहासू मीरा या सुबारो मिस्टेला के नाम से भी, स्टेला नहीं सॉरी, अप्लियो प्लस के नाम से जो है ये गाड़ी अवेलेबल है। तमाम गाड़ी जो है सेम दहासू की मेड है, लेकिन जो है खालिक अपने मोनोग्राम लगाए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे क्या शो कर रहा है टाइम लेफ्ट, इसका तो एंड हो गया। ये कल मैंने बना रहा था वीडियो, लेकिन बस वो देर होगी थोड़ी सी। 573,000 एन में ये करंट प्राइस थी, और टोटल प्राइस जो है इसकी चली गई है 865,231 एन। मतलब सी एंड डफ है ये। यहाँ पे हम बिट पेज पे चले जाते हैं, पर इसकी डैमेज कंडीशन देख लें कि क्या मसला था इस गाड़ी में, क्योंकि ताओ सिर्फ और सिर्फ डैमेज गाड़ी को काम करता है। अच्छा जी, अगर आपने भी इंपोर्ट करनी है तो बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, 0333-9366-392 पर मुझसे बात कर सकते हैं। पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है, जो दोस्त जो हैं यहाँ पे पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं मिल भी सकते हैं मुझसे। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो रिमार्क्स में लिखा गया है, रियर टायर एंड रियर बम्पर इंटरफेरेंस, दिस इज़ अ शेयर्ड इन्वेंट्री विच इज़ पोर्शन ऑफ योर वेबसाइट कंसर्न बाई। अच्छा जी, ड्यू टू इन्वेंट्री। अच्छा जी, इसको छोड़ दें, यहाँ पे डैमेज की तरफ आते हैं कि भाई क्या कुछ। पिक्चर थोड़ी सी देख लेते हैं, पिक्चर्स में तो गाड़ी साफ है, इतनी बुरी नहीं है। अच्छा, पीछे से लगी हुई है, एक बहुत ही हल्की लगी है, मतलब इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। शीशा टूटा हुआ है पीछे, रियर मतलब ग्लास वगैरह टूटा हुआ है, और इसके टेल लाइट्स भी आप चेंज करें या इसको रिपेयर भी कर सकते हैं अगर आपने घर के लिए लेनी है, सेल पर्पज़ के लिए ना हो। तो पीछे से हिट हुई गाड़ी है, तो इसमें बिट पेज पे जाते हैं और चेक करते हैं कि कितने में ये गई है गाड़ी। अच्छा, यहाँ पे ऑफ है, अभी डिटेल नहीं शो कर रहा। 865,000 यन में ये गाड़ी उठी है, तो 865,000 के हिसाब से क्या कॉस्टिंग आती है। मॉडल चेक कर लेते हैं जी, मॉडल जो है ये मॉडल 23 मॉडल है, और बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है। चली कितनी है, माइलेज चेक कर लेते हैं, 1600 किलोमीटर चली है ये गाड़ी। तो यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं, ये 865,000 CNF है, 1.87 आज का रेट था, काफ़ी ऊपर जा रहा रेट TT का। 16,17,000 आप जापान भिजवाएंगे। अभी 23 मॉडल की जो मैंने ड्यूटी वगैरह की पे की है, 13,80,000 के लगभग ड्यूटी आएगी इसकी, जमा 150,000 एक्सपेंस के डाल दें, और इसमें PRC 13,80,000 की आपको 2-30 तक मिलेगी, तो 33,77,000 की आपको कॉस्ट करेगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डैमेज गाड़ी है और महंगी की ये गाड़ी। अच्छा जी, यहाँ पे अब आते हैं दूसरी गाड़ी पे, ये वाली जो है ये भी एंड हो चुकी है, और डेट इस पर गुजर चुकी है, ये गाड़ी बिक चुकी है। कितने में बिकी है जी, ये 12,55,731 यन में। इस पर जो करंट प्राइस थी 9,74,000, और टोटल प्राइस इसकी 12,55,731 गाड़ी में, ये गाड़ी जो है उठ गई है, किसने दी है। यहाँ पे चेक करते हैं, रियर व्यू कैमरा नॉट अवेलेबल, और डैमेज का चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन है। यहाँ पे मेन डैमेज आप क्लिक करें तो आपको डैमेज आ जाता है, हेल स्टॉर्म डैमेज, ये मतलब इस पर ज़्यादा बारी हुई ओले पड़े में, तो इस पर डिम्पल्स होंगे, डेंट्स होंगे छोटे छोटे। रूफ इसका एयर ऑफ डैमेज, छत जो है उस पर डैमेज है, मतलब वहाँ पर जो है ओले पड़े में डिम्पल्स है। ड्राइवेबल कंडीशन में कंडीशन ठीक है, मूवेबल है। एक्सटीरियर डैमेज का जो है, यहाँ पे सारी जो चीज़ें आपको जो है मेंशन होती है कि भाई क्या क्या मसले हैं इसमें, बड़ा वाजे ये लिखते हैं। एयरबैग्स ओके हैं, कोई मसला नहीं, अवेलेबल है, अदर इन्फो में डाल दें। तो यहाँ पे 8,640 जो है रिसाइकलिंग फी है, जो कि आम ऑक्शन में भी होती हैं, इसमें भी होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं कि और क्या मसला है। यहाँ पे पिक्चर्स दी होंगी यहाँ पे, अगर आप देखें तो बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है, स्क्रीन वगैरह निकाला हुआ है। छत की तरफ आते हैं जहाँ पे डेंट्स हैं, तो कंडीशन साफ़ है, इतनी बुरी नहीं है।
उस पार्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया। मैं तो कर्सर में आपको दिखाना चाह रहा हूँ लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में जो है कर्सर नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे जो स्क्रैचेस हैं इसी के साथ आप ये डिम्पल्स देख सकते हैं। तो ये गई कितने में? 12,55,000 में। बेसिक इन्फो चेक कर लेते हैं, मॉडल 21 है। अच्छा जी, यहाँ पे 12,55,000 येन। तो 12,55 येन मल्टीप्लाई 1.87 प्लस 21 मॉडल है तो 10-40 ड्यूटी 150 जमा 190 के लगभग आजकल रेट चल रहा है, तो 37 लाख की ये कॉस्ट कर रही है। हेलस्टॉर्म है, इसको रिपेयर भी किया जा भी सकता है 10-12 हज़ार दे के, इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर बना जा सकता है। ये जो यहाँ पे आप लोग लेते हैं मार्केट में तो ये गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे निसान डेस पे आते हैं, ये भी एंड हो चुकी है। 9,46,000 में गाड़ी उठी है, बोलीरो एक्स बेस है और इसके रिम जो होते हैं लाइव ये वाइट कलर में होते हैं, इंटीरियर भी इसका पिंक कलर में होता है, बैग्स फटे हुए हैं इसके और मेरे ख्याल से फ्रंट डैमेज ही होगी गाड़ी, फ्रंट में तो ऐसा कुछ नज़र नहीं। यहाँ डैमेज है, लगी हुई है बॉनेट पे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डैमेज है, डेंट है और अपनी जगह से उतरा भी हुआ है, यहाँ पे बम्पर भी निकला हुआ है। तो यहाँ पे भी साथ में चेक कर लेती पीछे से जो ठीक है गाड़ी, लेकिन ये लग्जरी गाड़ी में काउंट होती है गाड़ी। इंजन चेक कर लेते हैं, इंजन की क्या पोजिशन है। इंजन इतना डैमेज नहीं हुआ लेकिन शायद इसका जो रेडिएटर है वो एरिया डैमेज हो। ग्लास चेक कर लेते हैं, ग्लास भी ओके लेकिन एयरबैग्स फटे हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें 18,939 चली हुई है, 22 मॉडल है और 9,40,000 में गई है ये। तो सेंड ऑफ की मैं बात करूँ, 9,40,000 मल्टीप्लाई 1.87 प्लस 22 मॉडल है तो 11,70,000 ड्यूटी है, 150 कर दें 200 कर दें तो 32,93,000 की ये पड़ी है। तो ये तो मेरे ख़्याल से बहुत ही महंगी है क्योंकि एयरबैग इसके ऑलरेडी खुल चुके हैं, कीमत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखें बिड प्राइस है, इनलैंड डिलीवरी शिपिंग फ़ी, THC, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, ओशन फ्रेट सेल का जो कंपनी है उनका कमीशन, साइकिलिंग फ़ी और ये SPS मैं भूल गया किस चीज़ के लिए, अदर चार्ज, टोटल प्राइस यहाँ से गई है तो ये काफ़ी ऊपर गई है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो सुजुकी पे आते हैं और यहाँ पे ये गाड़ी ये भी जो है बिक चुकी है 13,78,531 यन में। तो इसमें क्या मसला है जी, ये भी कंडीशन में इतनी बुरी नहीं है और डैमेज चेक कर लेते हैं, मेन डैमेज इसका क्या है, हेलस्टॉर्म तो ठीक है। यहाँ पे अगर आप अभी यहाँ पे चेक करें तो 13,78,000 में ये गाड़ी गई है, 13,78,000 मल्टीप्लाई 1.87 प्लस 22 मॉडल है तो 22 मॉडल कंफर्म कर लें एक मिनट, तो 21 मॉडल है जी, 10-40 जमा 150 जमा 190 तो ये तकरीबन 39 लेक्स में ये कॉस्ट कर रही है जो कि मेरे हिसाब से भी महंगी है। अच्छा जी, अगर फर्ज करें इसी करंट प्राइस पे करें 10,80,000 क्योंकि इसमें ये फ्रेट वगैरह शामिल हुआ है तो वहाँ पे तो कीमत कम है, लेकिन मसला ये कि ये प्राइस है जो आपके सामने मेंशन है, माल बहुत ज़्यादा महंगा है क्योंकि माल शॉर्ट है, इतना आ नहीं रहा। अब इस गाड़ी का हम चेक कर लेते हैं मैन डैमेज इसका है, हेलस्टॉर्म डैमेज, ज़्यादातर इसमें हेलस्टॉर्म ही डैमेज गाड़ी आती हैं। तो यहाँ पे लेते हैं 12,16,000 में गाड़ी गई है और है मॉडल इसका 22 मॉडल, तो 12,16,000 मल्टीप्लाई 1.87 प्लस क्या कहते हैं, 22 मॉडल है तो 1170 जमा 150 जमा 200 तो 37,93,000 की ये वाली गाड़ी कॉस्ट कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, इसमें अच्छी गाड़ियाँ भी आ जाती हैं अच्छे दाम में, अगर थोड़ी सी डगी ज़्यादा हो तो फिर उस कंडीशन की गाड़ी आपको अच्छी कीमत में मिल सकती है। कल मेरी इस वीडियो को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब करें जी, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।